रसोई में सबका स्वागत है। आज हम फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रहे हैं, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और हमें इसे बनाकर फ्रीजर में रख सकते हैं। कभी भी इवनिंग में आपको मन करे तो आप 5 मिनट में इसको बनाकर खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू। ये मैंने आलू लिया है, थोड़ा बड़ा साइज का मैंने लिया है। ये देखिए, हमें थोड़ा बड़ा साइज का इसीलिए लेना है क्योंकि हमारा फ्रेंच फ्राइज लंबा लंबा चाहिए हमें। तो अभी चलते हैं, मैं आलू को छील के आपको दिखा देती हूँ। चलिए आलू छीलना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमें ज्यादा नहीं छीलना है, बस एक बार में जितना निकल जाए छिलका उतना ही निकालना है हमें। देखिए मैंने सारे आलू छील कर रख दिया। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। हमें ज्यादा मोटा नहीं करना है पीसेस और ज्यादा पतला भी नहीं करना है। ये देखिए, आपको इसी हिसाब से कट करना है। और लास्ट वाला पीसेस को भी काटना है, इसमें से हमें कुछ भी फेंकना नहीं है। ये देखिए, मैं आपको पूरा ये आलू काटने के बाद दिखा देती हूँ कि आपको कितने साइज की करना है पीसेस। ये देखिए मैंने काट दिया, आपको ऐसे पीसेस में करना है। ये जैसे मैंने पीसेस बनाया, आप उसका चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई देख लीजिए, आपको ऐसे ही बना के रखना है। मैं सारे आलू को इसी तरीके से कट करूंगी। और आलू काट के मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, इस बर्तन में सारे आलू को मैं रख रही हूँ। अब देखिए मैंने सारे आलू को काट कर इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से धोना है, मुझे अच्छे से आपको इसको धोना है जैसे कि इसका स्टार्च निकल जाए। 5 मिनट आपको इस पानी में भी इसको रखना पड़ेगा। देखिए ऐसे करके आपको इसको धोना है। अभी 5 मिनट हो चुका है, हमारा आलू कितना स्टार्च छोड़ चुका है। पानी देखो कितना गंदा दिख रहा है पानी। अब मैं इस बर्तन से निकाल के और एक बर्तन में आलू को रखूंगी। इनके स्टार्च रहने से हमारा फ्रेंच फ्राइज अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसे दोबारा धोकर, मैं एक बर्तन में इसको निकाल दे रही हूँ, फिर हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए अभी हमारा पानी थोड़ा साफ दिखने लगा है। ये देखिए मैंने पानी बिठा दिया है, पानी को हमें पूरी तरह धीमी आंच में रखना है। और इसमें मैं अभी आलू डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने आलू डाल दिया, और मैंने 6 आलू लिया था इसीलिए मैंने 6 स्पून डाल रही हूँ नमक। इसको हमें हिला देना है नमक को अच्छे से थोड़ा पानी में। एक चीज याद रखिए, हमें चूल्हे को हाई में नहीं करना है, हमें 15 मिनट तक ऐसे ही बिठा के रखना है, खाली गर्म पानी में ही रखना है। अगर हमारा आलू बॉईल हो जाएगा तो हमारा फ्रेंच फ्राइज अच्छा नहीं बनेगा। और हमें फर्स्ट स्टेप में ओनली आलू को पानी में रख के गर्म करके उसका स्टार्च निकालना है, जिससे हमारा फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बने। इसलिए हमें 15 मिनट तक आलू को ऐसे ही धीमी आंच में रखना है और बीच बीच में हिला देना है कि नीचे वाले ऊपर आ जाए, ऊपर वाले नीचे चले जाए। अब देखिए 15 मिनट हो चुका है, मैंने टाइम सेट करके रखा था। अब देखिए साइड में कैसे सब स्टार्च लगा हुआ है। अब मैं इसको छान के और एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ, गैस भी मैं ऑफ कर रही हूँ। देखिए सारे आलू को हमें निकाल देना है। इसके बाद हमें इसे अभी बॉईल करना है, सेकंड स्टेप में जाना है। आलू को छान के यहाँ
रख लिया है। आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू बॉयल नहीं हुआ है। ये देखिए मैंने इसको फोल्ड भी किया, आलू हमारा टूट नहीं रहा है, तो मैंने इसे आलू बॉयल नहीं हुआ। अभी सेकेंड स्टेप में हमें आलू को बॉयल करना है। सेकेंड स्टेप शुरू हो रहा है। मैंने दोबारा पानी बिठा लिया है। अभी दोबारा हमारा जो आलू रखा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ इसमें। इसमें याद रखिए हमें दोबारा नमक नहीं डालना है और खाली हमें खाली पानी में ही इसे हमें बॉईल करना है। 5 मिनट आप टाइम सेट कर लीजिए, 5 मिनट आप इसको बॉईल करना है और चूल्हा हाई में रखिएगा। आप याद रखिए इसको हमें 1 मिनट में एक बार हिलाना है कि ऊपर वाला आलू हमारा नीचे आ जाए, नीचे वाले आलू ऊपर आ जाए, अदरवाइज ज़्यादा कम बॉईल हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे हमारा बॉईल हो रहा है, 5 मिनट मेरा हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और आलू को छान के निकाल रही हूँ। पूरा पानी हमें निकाल देना है, इसलिए मैंने 2 बार छानने के लिए लिया है। हमें ऐसे ही अच्छे से पानी निकाल के छानना है आलू को। आलू में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए ऐसे हमें पूरा आलू मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं अच्छे से हिलाकर इसके अंदर जो पानी है थोड़ा सा वो भी मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद हमें आलू को 1 घंटे के लिए हमें सुखाना पड़ेगा। ड्राई, अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए मैंने आलू को छान के निकाले। मैं आपको एक दिखाती हूँ कैसे हमारा आलू बॉईल हो चुका है। ये देखिए, ये अभी पहले हमारा ये टूट नहीं रहा था, अभी आराम से टूट गया है। इसको हमें ना ज़्यादा बॉईल करना है ना कम करना है। अभी मैं इसको एक कपड़ा मैंने ले लिया है, उसके ऊपर हमें 1 घंटे के लिए हमें आलू को अच्छे से सुखाना है। जब आलू से पूरी तरह पानी निकल जाए तब हमें इसे फ्राई करने के लिए लेके जाना है। पैन के नीचे सुखा देंगे तो भी अच्छा है। अच्छे से आपको इसको हिला के पूरा स्प्रेड करके, आपको अच्छे से कपड़े में स्प्रेड करके आपको इसको सुखाना है 1 घंटे तक। मिनिमम आपको 1 घंटा सुखाना ही है। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसको हम 1 घंटे तक आराम करने देते हैं, अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर हम इसको लेके फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा आलू 1 घंटा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी ये हमारा थर्ड स्टेप है। मैंने सेकंड स्टेप तक हमारा गया था। अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि आलू को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसको जस्ट एक कोट ही लाना है हमें। इसीलिए हमें तेल को भी मीडियम आंच में रखना है, हाई में नहीं रखना है। अगर हाई में रखेंगे तो हमारा गोल्डन पूरा ब्राउन हो जाएगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान दे के करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। मैं अभी इसमें आलू डालने जा रही हूँ। देखिए गरम हो रहा है। आप अपने तेल के हिसाब से डालिएगा, मैंने थोड़ा ज्यादा तेल डाला। देखिए मैंने ज्यादा तेल डाला इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा आलू डाला। ये देखिए हमें इसको आधा पकाना है, जस्ट एक लेयर लाना है आलू के ऊपर, फ्राई नहीं करना है ज़्यादा। एक आलू के ऊपर जब एक कोट आ जाएगा तो हमें इसको निकाल देना। देखिए मैंने 4 से 5 मिनट ऑलरेडी इसको फ्राई कर चुकी हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एक कोट जैसे दिखाई देने लगा है। अभी फिर भी मुझे 2 से 3 मिनट करना है अच्छे से कोट लाने के लिए। और देखिए मेरा बिल्कुल भी ब्राउन कलर नहीं आया है। आपको ऐसे ही फ्राई करना है, मीडियम चूल्हा में रखना है। देखिए दोस्तों हमारा एक कोट आराम से आ चुका है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। अब देखिए मैं सेकेंड टाइम आलू डाल रही हूँ। आप अपना तेल के हिसाब से आलू डालिएगा, मेरा ज़्यादा तेल है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा आलू डाल रही हूँ। ये हो गया। अब इसी तरीके से मेरा बचा हुआ आलू को मैं फ्राई कर दूंगी, उसके बाद में आपको। ये देखिए हमारा ये अभी ठंडा हो चुका है। मैं अभी इसे फ्रीजर में डालने जा रही हूँ। 6 से 7 घंटा हमें इसे फ्रीजर में डालना है, उसके बाद दोबारा हमें 5th स्टेप पे जाना है और उसको फ्राई करना है। और आप इसी स्टेज में, आप जब फ्रीजर में इसे डालोगे, आप डाल के कितना दिन तक भी रख सकते हो, उसके बाद आप निकाल के उसको फ्राई करके ईजिली खा सकते हो। और हमें फ्रीजर में इसीलिए डालना है क्योंकि फ्रीजर में डालने के बाद अगर हम उसको फ्राई करते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी होती है, इसीलिए हमें फ्रीजर में डालना है।
फ्रीजर में डालने से पहले हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें मिला के रखना है। देखिए मैं कॉर्नफ्लोर मिला देती हूँ, हल्का सा ही हमें मिलाना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे हमारा फ्रेंच फ्राइज और ज़्यादा क्रिस्पी होगा। मार्केट में जैसे हम खरीद के खाते हैं वैसा बन जाएगा। देखिए मैंने इसमें 2 से 2.5 स्पून टेबलस्पून डाला है, ज़्यादा आप मत डालिएगा। इसको अच्छे से हल्के हाथ में मिला दीजिएगा। ये देखिए हमारा हो गया। अब इसे हमें 6 से 7 घंटा फ्रीजर में रखना है, रख के फिर हमें इसे तेल में। देखिए 6 घंटा हो चुका है हमारा फ्रेंच फ्राइज, देखिए अच्छे से कॉर्नफ्लोर भी इसमें मिक्स हो गए। अब हम इसे फ्राई करने जाए। तेल बिठा दिया है, तेल हमारा गर्म होने को लगा है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो हम, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल के मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब देखिए नहीं हुआ है, थोड़ा सा और होना है इसको। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है, मैं एक पहले डाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये हो रहा है, हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच फ्राइज डाल दूँ। मेरा कढ़ाई में ज़्यादा तेल है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख के डालिएगा। देखिए ये हमारा हमारा होने लगा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी यह और 1-2 मिनट होगा, पर पूरी तरह हुआ नहीं है, और थोड़ा सा हमें इसको ऊपर नीचे करते रहना है आपको। ये देखिए हमारा अच्छे से बन गया है। अभी देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया हमारा आलू, मैं इसको भी निकाल दे रही हूँ। आप एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर डाल के उसको निकाल दीजिए, जिससे इसका ऑयल भी पूरी तरह निकल जाए। देखिए मैं अभी सेकेंड टाइम डालने जा रही हूँ, पहली बार हमारा हो गया, तेल अभी गर्म है इसलिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ऊपर ऊपर से डालेगा, अगर कॉर्नफ्लोर नीचे रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा, जो बचा हुआ है उसको हमें फेंक देना है। देखिए 3 से 4 मिनट लग रहा है हमने, ये हमारा हाफ फ्राई हो चुका है, और 1 मिनट हमें फ्राई करना है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा, इसको मैं निकाल दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको टिश्यू पेपर रख के निकालना है, मैं टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकाल रही हूँ इसे। तेल को अच्छे से निकाल के देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कैसे है। देखिए ये अंदर से देखिए कितना स्पंजी टाइप हो रहा है और बाहर से पूरा क्रिस्पी हो रहा है। आप खुद बना के जब करोगे तब आपको पता लगेगा। अब हमारा फ्रेंच फ्राइज को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा ही डालना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए ये थोड़ा सा पेपर पाउडर है जो इसको आपको थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। ये सॉल्ट है, इसे भी आपको थोड़ा सा ही डालना है। मिर्च पाउडर है, ये भी हमें थोड़ा सा ही डालना है। फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके मत कीजिएगा। देखिए कैसे अच्छे से साउंड भी आ रहा है आपको, ये देखिए ये अभी बन गया हमारा। अभी हमारा फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा मेयोनीज लिया है। मेयोनीज में मैंने चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगानो और पेरी पेरी मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। ये इसके साथ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब आप घर पे बनाइए, और कैसे लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर और कोई आइटम आपको चाहिए वो भी आप लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।